नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह पुनः एक बार आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, और आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म पार्ट टू के बारे में। जैन धर्म पार्ट वन के अंदर साथियों हम जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर, तीर्थंकर की परिभाषा और प्रमुख रूप से ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ आदि के बारे में गहन विश्लेषण किया और महावीर स्वामी जो हैं इनकी बायोग्राफी पढ़ी। महावीर स्वामी जो हैं जिनके जन्म के बारे में, वंश के बारे में, माता पिता के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में ये जानकारी ली। साथ ही पार्ट वन के अंदर साथियों हमने महावीर स्वामी द्वारा निरंतर 12 वर्षों तक किए गए कठोर तप और तप के दौरान कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने तक का जानकारी पढ़ा था। साथियों आज हम पढ़ने वाले महावीर स्वामी का जो बायोग्राफी यानी जीवनी आगे जो बाकी बचा हुआ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। महावीर स्वामी जो हैं इनके आज का जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो हैं ज्ञान प्राप्ति पश्चात सर्वप्रथम जो इन्होंने प्रवचन दिया था उसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। लेकिन साथियों जैन धर्म जो हैं इसका जो पवित्र धार्मिक चिन्ह देखने को मिलता है वो आपके सामने मैंने लोगो रखा है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ अपने को मतलब ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पर जो लोगों के बीच में जो स्पष्ट रूप से जो चीज़ दिखाई जाती है, वक्तव्य दिखाया जाता है वह है परस्परो जीवानाम। जैन धर्म का परम श्रेय ध्येय माना जाता है परस्परो जीवानाम, अर्थात एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हुए, सहायता करते हुए जीवन जीना। वैसे तो जैन धर्म का धार्मिक जो ध्येय है वो अहिंसा परमो धर्म भी बताया जाता है। शुरू करने जा रहे हैं साथियों महावीर स्वामी के द्वारा जो प्रवचन दिए गए हैं उनके बारे में। साथियों महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम प्रवचन जो है ये कहां पर दिया था, ये सवाल पूछा जा चुका है किसको दिया था। अपने प्रथम प्रवचन के अंदर महावीर स्वामी ने क्या बताया था ये भी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा महावीर स्वामी द्वारा अपना प्रथम जो प्रवचन है यह राजग्रह। राजग्रह का अर्थ होता है राजा का घर। एक समय यह मगध की राजधानी हुआ करता था। राजग्रह जो पड़ता है बिहार में, राजग्रह बिहार, यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है विपुलचल पर्वत। विपुलचल पहाड़ी या पर्वत। तो महावीर स्वामी जो हैं इन्होंने अपना पहला प्रवचन राजग्रह बिहार के विपुलचल पहाड़ी जो हैं यहाँ पर पहला प्रवचन शिष्य जमाली को दिया। किसको दिया? शिष्य, अपने शिष्य जमाली को पहला प्रवचन इन्होंने यहीं पर दिया था। एक बार और सवाल पूछा जा चुका है साथियों कि महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा अपना समय किस जगह पर व्यतीत किया। तो बताना चाहूँगा साथियों विपुलचल पहाड़ी वह स्थल है जहाँ पर महावीर स्वामी ने अपना सर्वाधिक जीवन यापन किया। यह वही जगह है जहां पर महावीर स्वामी ने अपना सर्वाधिक जीवन यहीं पर व्यतीत किया। साथियों मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि महावीर स्वामी ने अपने पहले प्रवचन के अंदर कौन सी चीज़ों के ऊपर अपना पहला प्रवचन दिया है। तो साथियों महावीर स्वामी ने अपना जो पहला प्रवचन दिया है इसमें त्रिरत्न का प्रवचन इन्होंने दिया है। त्रिरत्न कौन कौन से बताए जाते हैं, इनमें कौन सी चीज़ कॉमन बताई जाती है। तो त्रिरत्न जो है इसमें जो कॉमन चीज बताई जाती है वो है आपके सम्यक। सम्यक का अर्थ होता है उचित।
कि कौन कौन सी चीजें हमें उचित रखनी है जिसके कारण हमें त्रिरत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो त्रिरत्न के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है साथियों सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्या होता है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक का मतलब अच्छा, दर्शन का मतलब होता है सत्य से, इनका रिलेशन है। सम्यक दर्शन अर्थात सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास रखना, यह बताया आपने त्रिरत्न के पहले रत्न सम्यक दर्शन के अंदर। नंबर दो साथियों, महावीर स्वामी ने अपने त्रिरत्न के प्रवचन के अंदर जो दूसरा रत्न बताया है उसे सम्यक आचरण के नाम से जाना जाता है। सम्यक आचरण, अब सम्यक आचरण को, सम्यक बिहेव को, सम्यक आचरण को धारण करने के लिए महावीर स्वामी जो हैं, इन्होंने महावीर स्वामी ने पांच अणुवर्त और पांच महावर्तों का निदान किया। साथियों बताना चाहूँगा अणुवर्त जो ये नियम बताए हैं महावीर स्वामी ने, यह नियम बताए थे ग्रस्तों के लिए, और महावर्तों का जो नियम बताया है ये साधु संन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए, जैन भिक्षुओं के लिए, साधुओं के लिए ये पांच महावर्त बताए हैं। पांच महावर्त होते कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अहिंसा, नंबर दो सत्य, नंबर तीन अस्तेय, नंबर चार अपरिग्रह और नंबर पांच, पांचवा जो महावर्त बताया जाता है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है ये केवल साधुओं के लिए वैलिडेशन बताया जाता है। महावर्तों में अहिंसा, अहिंसा को अपनाओ, हिंसा ना करो, सत्य, सत्यवादिता, सत्य वचन बोलो, अस्ते, चोरी ना करो, अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है ज़्यादा धन संचय ना करो बिना वजह, किसी कारण, किसी भी कारण बिना वजह पर घर पग नहीं रखना, अर्थात किसी के घर नहीं जाना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है विवाह नहीं करना। लेकिन अणुवर्त जो बताए हैं गृहस्थों के लिए उनमें सबसे पहले आता है अहिंसा, अहिंसा के बाद में नंबर दो सत्य, सत्य के बाद में नंबर तीन अस्तेय, अस्तेय के बाद में नंबर चार जो बताया जाता है ये बताया जाता है अपरिग्रह, और अपरिग्रह के बाद ग्रस्तों के लिए जो पांचवा अणुवर्त हैं वो हैं आपके कैवल्य या केवलिन, इनके द्वारा बताया गया था। तो साथियों महावीर स्वामी ने अपने त्रिरत्न के पहले प्रवचन के अंदर निम्न प्रमुख बातों के बारे में जानकारी दी है। अब हम जानकारी लेते हैं साथियों नंबर तीन, तीसरा जो रत्न है वो क्या बताया है महावीर स्वामी ने? तो महावीर स्वामी ने जो तीसरा रत्न बताया है साथियों वह सम्यक ज्ञान। महावीर स्वामी ने तीसरा रत्न बताया है सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा? तो सबसे पहले लिखा जाता है मति, मैं अर्थ बताऊंगा आपको, नंबर दो, दूसरा है श्रुति, नंबर तीन, तीसरा बताया जाता है अवधि, नंबर चार, चौथा जो सम्यक ज्ञान का जो बताया जाता है पॉइंट वो बताया जाता है मन पर्याय, और पांचवा और अंतिम बताया जाता है कैवलिन या कैवल्य। इन सब की जानकारी मैं साथियों आपको देना चाहूँगा।
जरूर ध्यान से सुनना। कई बार इनसे पूछा जाता है, महावीर स्वामी के त्रिरत्न के अंतिम रत्न सम्यक ज्ञान के दौरान हमें ज्ञान किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है, किन किन वस्तुओं से प्राप्त हो सकता है, वह कौन कौन से अंग बताए ज्ञान प्राप्ति के। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान के अंदर महावीर स्वामी ने बताया है मति। मति का अर्थ होता है साथियों बुद्धि। अपने को स्वयं को अपनी बुद्धि से ज्ञान की अनुभूति हो सकती है, ये महावीर स्वामी ने बताया। नंबर दो, दूसरा है श्रुति, सुनना। सुनने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर तीन, तीसरा है अवधि। अवधि का अर्थ होता है साथियों दूर स्थित किसी वस्तु से ज्ञान प्राप्त होना। नंबर चार, मन पर्याय। मन में झांक कर देखो, अपने को अपनी आत्मा से ही ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। और अंतिम कैवल्य, जब केवलिन प्राप्त हो जाएगा, कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति हमें स्वतः ही हो जाएगी। महावीर स्वामी ने अपने त्रिरत्न बताए। कई बार साथियों हर एक कॉम्पिटिशन के अंदर इससे सवाल निकल कर आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर बताया जाता है। और अगर बात रिलीजन ऑफ इंडिया की करें साथियों, तो इनमें वैदिक धर्म जितनी महत्वपूर्णता रखता है, उसी के आंकलन पर महावीर स्वामी अर्थात इन तीर्थंकरों का जैन धर्म भी बराबर से अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है। अब बात करते हैं साथियों महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में। महावीर स्वामी की जो हम जीवनी पढ़ रहे हैं, तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में भी बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी जिनका वास्तविक नाम मैंने कल आपको बताया, ऑलरेडी आज और बता देता हूँ, इनका नाम वर्धमान। इनकी जो मृत्यु है वो कब कहाँ पर इनकी मृत्यु बताई जाती है, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि अपने धर्म के प्रवचन को देते देते महावीर स्वामी मल्लदेश पहुँचे। मल्लदेश महाजनपदकालीन जो देश बताए जाते हैं उनमें से एक महाजनपद मल्लदेश कहलाता है। मल्लदेश जो है इसकी दो राजधानियां बताई जाती हैं, एक राजधानी बताई जाती है पावापुरी और दूसरी राजधानी बताई जाती है आपके कुशीनारा। पहली राजधानी पावापुरी और दूसरी राजधानी बताई जाती है कुशीनारा। तो पावापुरी पहुँचे हैं, छोटा मोटा सा अपना एक प्रवचन दिया और प्रवचन देने के बाद में इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। निर्वाण का अर्थ होता है दिए के रूप में जो जिंदगी की लौ जल रही है उसका बुझ जाना, ये कहलाता है निर्वाण। निर्वाण हुआ। बताना चाहूँगा साथियों महावीर स्वामी जो हैं इनकी मृत्यु जो हमें पढ़ने को मिलती, मृत्यु आपके 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया साथियों, निर्वाण। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया, अर्थात इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। अब हम बात करते हैं साथियों कि जैन धर्म जो हम पढ़ रहे हैं इनकी जानकारी हमें कहाँ से पढ़ने को मिलती है, जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन बना, जैन धर्म के महावीर स्वामी के जो शिष्य टोटल उनकी शिष्य संख्या कितनी बताई जाती है, सबसे प्रिय शिष्य किस नाम से जाना जाता है, इन शिष्यों को क्या कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा डीपली अपने फर्स्ट ग्रेड लेवल तक के क्वेश्चन भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा साथियों। लेकिन मृत्यु के बाद में आगे बात करते हैं महावीर स्वामी अर्थात इनके प्रमुख जो शिष्य हैं, इन शिष्य में कुल शिष्य बताए जाते हैं 11 शिष्य बताए जाते हैं। इन 11 शिष्यों को गणधर के नाम से जाना जाता है। गणधर जो हैं ये 11 गणधर क्यों बने हैं, क्यों कहलाया, तो मैं बताना चाहूँगा जैन धर्म के विकास कह लो आप, प्रचार प्रसार
के लिए इन 11 गणधरों को नियुक्त किया था। इन 11 गणधरों में सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो गणधर था उसे सुधर्मन के नाम से जाना जाता है, जो महावीर स्वामी का प्रिय शिष्य बताया जाता है। महावीर स्वामी का प्रिय शिष्य बताया जाता है। साथियों, हमने जैन धर्म की जो डिटेल पढ़ी है तो सवाल ये भी पूछा गया है कि जैन धर्म का पूरा इतिहास हमें किस गुफा अभिलेख से जानने को मिलता है। तो बताना चाहूँगा साथियों, नोट बनाकर इस चीज़ को अपने को नोटिस में लाना है, लिखना है। जैन धर्म का वर्णन खारवेल की एलिफेंटा केव, हाथी गुफा खारवेल की हाथी गुफा से जानकारी मिलती है। खारवेल की हाथी गुफा से जानकारी मिलती है। साथियों, एक बार और सवाल पूछा गया कि भारत का नाम भारत हमें सर्वप्रथम किस गुफा के अभिलेख से जानने को मिला है, तो नाम आता है एलिफेंटा केव के नाम से उसे जाना जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के अन्य नामों के बारे में। महावीर स्वामी जो हैं, इनके अन्य नाम कौन कौन से देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सुनिए आप। नंबर एक, महावीर स्वामी का प्रथम जो नाम अन्य नाम सामने आता है, इन्हें जीन कहा जाता है। जीन का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण। साथ ही मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। पहला हो गया जीन, दूसरा हो गया अरहंतो, तीसरा हो गया निर्ग्रंथ, चौथा नाम महावीर। चार प्रमुख अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं। जीन नाम क्यों पड़ा महावीर स्वामी का, तो लिखना है अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण, अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण, काबू में करने के कारण, वश में पाने के कारण इनको नाम मिला जीन। नंबर दो, अरहंतो इनका नाम पड़ा है पूजनीय होने के कारण इनका नाम अरहंतो पड़ा। तीसरा नाम इनका बताया जाता है निर्ग्रंथ। लिखना है हमें सांसारिक मोह माया के बंधनों से छुटकारा पाने के कारण, सांसारिक मोह माया के बंधनों से छुटकारा पाने के कारण महावीर स्वामी का जो नाम पड़ा है इन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। नंबर चार, महावीर इनका नाम क्या क्यों पड़ा है, तो लिखना है अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण, अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण इनका नाम पड़ा है महावीर। साथियों, हमने महावीर स्वामी के प्रवचन में दिए गए त्रिरत्नों की पूरी जानकारी, साथ ही महावीर स्वामी के अंतिम समय और महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्यों के साथ में महावीर स्वामी के अन्य नाम भी जान लिए। साथियों, अगर कोई मित्र फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर पद की तैयारी करना चाहता है
विषय इतिहास से, तो उनके लिए भी बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं साथियों सामने। और अपनी को जिज्ञासा कायम रखनी है, अगर जिज्ञासा रखेंगे तो हम कुछ न कुछ जानेंगे। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म किस कंडीशन में दो भागों में बंट गया, ये चीज़ अपने को एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझनी है। वो कौन सी कंडीशन थी, वह कौन सा समय बताया जाता जिसके कारण जैन धर्म दो भागों में बंट गया है। तो जैन धर्म की इस कंडीशन को समझने के लिए साथियों मैंने एक मैप भी बनाया है, और मैप जो भारत का बनाया है इसे बृहत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। बृहत्तर भारत अर्थात इसे आप मौर्यकालीन भारत की संज्ञा दे सकते हो, और मौर्यकालीन भारत में सबसे जो प्रबल क्षेत्र माना जाता था इसे मगध के नाम से जाना जाता है। मगध जो है जिसकी दो राजधानी हमें पढ़ने को मिलती हैं, एक राजधानी का नाम गिरिवज्र और दूसरी का नाम बताया जाता है राजग्रह। तत्कालीन मगध राजगद्दी के ऊपर किसका शासन था तो बता रहा हूं साथियों, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का शासन उस समय चल रहा था। मौर्य साम्राज्य का जो प्रधान प्रथम जो संस्थापक या शासक कहलाता है उसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका राज्य अभिषेक बताया जाता है। साथियों ध्यान रहे, ये जो चैप्टर हैं दो नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है अपने लिए। एक साथ दो बातें क्लियर हो रही है, इसमें संक्षिप्त जानकारी आपको मौर्य साम्राज्य की भी पढ़ने को मिल रही है, साथ ही जैन धर्म के अंदर जो बंटवारा हुआ है उसकी भी डिटेल हमें पढ़ने को मिल रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनका राज्य अभिषेक बताया जाता है शुरू हुआ साथियों 322 ईसा पूर्व, और इनका शासन चला है 298 ईसा पूर्व। ये इनका टोटल शासनकालीन समय बताया जाता है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही मैं क्यों बता रहा हूँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना, शासक बनने के बाद उत्तर भारत जो है इसे उत्तर भारत जो है ये अकाल की चपेट में आ गया। किसकी चपेट में? अकाल की चपेट में आ गया था, और अकाल जिसे त्रिकाल कह सकती हो क्योंकि ये जो अकाल पड़ा है इसमें चारा अन्न और खाद्यान्न तीनों चीज़ों की कमी हो गई थी, और ये जो अकाल पड़ा है निरंतर 12 वर्षों तक निरंतर ये अकाल पड़ा, और इस अकाल की इतनी बुरी मतलब लोगों की दशा हो गई जिसके कारण इसे दुर्भिक्ष काल के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर भारत जो है समूचा अकाल से लड़ खड़ा रहा था, ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था, और जैन धर्म को एक्सेप्ट इन्होंने अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट होते हुए भी इन्होंने इनको अपनी जनता की इतनी बुरी हालत बिल्कुल देखी नहीं जाती थी, इसलिए इन्होंने अपने गुरु के साथ में ये निश्चय किया कि हम उत्तर भारत को छोड़कर चले जाएंगे, अपनी प्यारी जनता की ऐसी दशा हम देख नहीं पाएंगे। साथियों उत्तर भारत को भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में त्याग कर, उत्तर भारत को त्याग कर यह कर्नाटक पहुँचे हैं। कर्नाटक चूंकि साथियों हमने कल श्रवण बेलगोला के बारे में पढ़ा था, श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है, और यहाँ पर बाहुबली की प्रतिमा के पास इर्द गिर्द इन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ आकर अपनी प्यारी जनता की ऐसी दशा देखकर चंद्रगुप्त मौर्य ने
अन्न जल त्याग कर संलेखना विधि से इसी बाहुबली प्रतिमा के नीचे प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्याग दिए, जब स्थिति बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई, अकाल का जो समय है वो बीता जा चुका था, उस समय यह भद्रबाहु का ग्रुप जो दक्षिण भारत से निकलकर पुनः उत्तर भारत की तरफ चल पड़ा। अब हम बात करते हैं साथियों की जैन धर्म जो है यह किस कंडीशन के आधार पर एक दूसरे से अलग हो गया। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर भारत में जब स्थिति अकाल की स्थिति नॉर्मल हो गई तो भद्रबाहु जो हैं अपने पूरे शिष्यों के साथ में पुनः एक बार उत्तर भारत पहुँचे। उत्तर भारत पहुँचने पर इन दोनों वर्ग में मतभेद हो गया और उत्तर भारत के मतलब ग्रुप से मतभेद हो जाने के कारण जैन धर्म हमेशा के लिए दो भागों में टूटकर बंट गया। जैन धर्म का जो बंटवारा है या फिर इनके जो रूल्स रेगुलेशन या नियमावली हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म जो है इसके दो वर्ग देखने को मिलते हैं। जैन धर्म का जब बंटवारा हुआ है तो इसमें दो पक्ष देखने को मिलते हैं। एक वर्ग जो है इसे श्वेतांबर के नाम से जाना जाता है और दूसरा कहलाता है दिगंबर। एक श्वेतांबर के नाम से जाना जाता है, दूसरा दिगंबर के नाम से जाना जाता है। साथियों कई बार सवाल पूछा गया है कि जैन धर्म के दो प्रमुख मत श्वेतांबर दिगंबर, इन दोनों में कौन कौन सी नियमावली में मतभेद देखा जाता है, अंतर कौन सा देखने को स्पष्ट सामने आता है, ये चीज़ ज़रूर हम साथियों जानेंगे। और श्वेतांबर की विशेषताएं, दिगंबर की विशेषताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ने को मिलती हैं अपने को। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्वेतांबर जो हैं ये हमेशा श्वेत वस्त्र, श्वेत का मतलब होता है सफेद, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत वस्त्र क्या करते हैं, धारण करते हैं। जबकि बात करें दिगंबर साधुओं की तो दिगंबर साधु जो हैं यह नग्न अवस्था में रहते हैं। दिगंबर साधु नग्न अवस्था में रहते हैं, दिगंबर साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। दिगंबर साधु वस्त्रों को अपने ज्ञान प्राप्ति में, कैवल्य प्राप्ति में बाधा मानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों नंबर दो। दूसरा जो इनके अंदर भिन्नता देखी जाती है वो बताई जाती है कि श्वेतांबर के अनुसार, श्वेतांबर साधुओं के अनुसार स्त्री को मोक्ष संभव है। श्वेतांबर साधुओं के अनुसार स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति संभव है, लेकिन दिगंबर साधुओं का मानना है कि स्त्री को मोक्ष संभव नहीं है, स्त्री को मोक्ष का भागी नहीं बताया है दिगंबर साधुओं ने। नंबर तीन। तीसरा जो है ये बताया जाता है कि श्वेतांबर जो साधु हैं इनको जब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्ति पश्चात भोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति पश्चात दिगंबर साधु संलेखना विधि अपनाते हैं। बताना चाहूंगा साथियों इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी के नग्न अवस्था में रहना है अपने आप में एक परीक्षा का परिचायक है। बताना चाहूँगा साथियों कि जब इनको
इन साधु संन्यासियों को कहीं से इनविटेशन मिलता है तो पूरे पूरे ग्रुप के साथ में उस घर में ये पलायन करते हैं, जहाँ पर स्त्री के द्वारा इन्हें 32 वाहर चम्मच की सहायता से आहार हथेली में परोसा जाता है। अब दिगंबर साधु बड़ी जांच पड़ताल के साथ में इसका विश्लेषण करने के बाद में इस अन्न को ग्रहण करता है। ये जो दिगंबर साधु हैं, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में संलेखना पद्धति से अन्न जल त्याग कर अपने जीवन का मतलब जीवन को समाप्त कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर में और कौन सी भिन्नता देखने को मिलती हैं? तो नंबर 4 बताई जाती हैं कि श्वेतांबर मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजा पूजक नहीं। श्वेतांबर जो लोग हैं ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन दिगंबर जो साधु हैं यह मूर्ति पूजक भी हैं, मंदिर मार्गी भी हैं और इन्हें तरणापंथी भी कहते हैं। बिकॉज इनके एक प्रमुख साधु हुए थे सन्यासी जिन्हें तरणानाथ के नाम से जाना जाता है, जिसके फॉलोअर्स है वो तरणापंथी कहलाते हैं, तरणापंथी आदि के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 पांचवा जो इनमें भिन्नता देखने को मिलती है कि श्वेतांबर साधु जो हैं अपने बिहेव या आचरण में सरलता रखते हैं, सरल, और दिगंबर जैन साधु जो हैं इनका आचरण बिल्कुल कठोर होता है, बहुत कम बात करते हैं। 24 घंटे में से माना जाता है 17 से 18 घंटे ये लोग अपना केवल स्वाध्याय करते हैं, बहुत ही कम बात करते हैं दिगंबर साधु। बात करते हैं अंतिम छठा इनके साथ में जोड़ देता हूं, यह जो साधु हैं दिगंबर साधु यह वेदों को वात्रशना का मतलब होता है झूठा बताते हैं। वेदों को झूठा बताने वाला जैन धर्म का कौन सा वर्ग है? तो उसे दिगंबर साधुओं के नाम से जाना जाता है। साथियों मैं आपको साथ ही बताना चाहूँगा कि जैन धर्म जो है टूटकर दो भागों में किस कंडीशन के आधार पर बंटा था ये भी देखना जरूरी है। साथियों जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा तो बौद्ध धर्म की प्रमुख संगीतियों के बारे में भी पढ़ा था, अब हमें जैन धर्म की प्रमुख संगीतियों के बारे में भी जाननी है, उसके बाद में हम जैन साहित्य और उसके बाद में प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं संगीतियों से, हालांकि जैन धर्म की जो संगीतियां हैं इनका स्पष्ट रूप से ज़्यादा वर्णन हमें ज़्यादा ग्रंथों में पढ़ने को नहीं मिलता। जैसे द्वितीय जैन संगीति के इसका समय निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल है, कई इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग अपना मत देते हैं। शासक जो जिसके शासन काल में इन संगीतियों का आयोजन हुआ ये भी बातें गौण रखी गई है, क्योंकि स्पष्ट रूप से इनका इतिहास हमें नहीं देखने को मिलता है। साथियों अब हम बात करते हैं जैन संगीतियाँ अर्थात संगीति का अर्थ होता, साथियों मैं कल आपको बता चुका हूँ संगीति का अर्थ होता है सभा। अभी संगीतियाँ हमें पढ़नी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्म संख्या अर्थात प्रथमा जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति, प्रथमा जैन संगीति, नंबर 2 द्वितीय जैन संगीति, प्रथमा जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति। तो ये कर्म हो गया, कर्म के बाद में साथियों हम देखेंगे इनका समय।
प्रथम जैन संगीति का जो समय बताया जाता है साथियों, ये बताया जाता है 300 ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट। लेकिन द्वितीय जैन संगीति की जो सभा का आयोजन समय बताया जाता है साथियों, ये बताया जाता है आपके 6वीं सदी। कई किताबें 512 बताती है 6वीं सदी। और तृतीय सॉरी बात करते हैं अब हम कर्म संख्या के बाद में, समय समय के बाद में बात करते हैं जगह, किस स्थान पर इन संगीतियों की आयोजना या आयोजन हुआ था। तो जगह में प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो हुआ है, इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे आधुनिक पटना कहा जाता है। पटना को पाटन कहा जाता है, जहां पर माता सती का जांग गिरा था। आगे बढ़ते हैं नंबर दो। दूसरी जो जैन संगीति हुई है, जगह का नाम बताया जाता है वल्लभी। वल्लभी पड़ता है गुजरात के अंदर। ये जगह हो गई। अब हम बात करते हैं शासक। शासक के बारे में बात करनी है अपने को, तो प्रथम जैन संगीति किस शासन शासक के शासन काल में हुई, तो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन। लेकिन बताना चाहूँगा साथियों, द्वितीय जैन संगीति का जो शासक है, जिसके शासन काल में ये संगीति आयोजन हुई थी, इसके बारे में मत एक नहीं है, कई सारी किताबें जानकारी नहीं बताती हैं, इतिहास हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं ये जो जैन संगीतियाँ हुई हैं, इनका अध्यक्षता किन अध्यक्षों के द्वारा, इनकी अध्यक्षता को निभाया गया था। तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता करने वाले थे स्थूलभद्र और शंभूत विजय। स्थूलभद्र व शंभूत विजय प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता करने वाले थे स्थूलभद्र व शंभूत विजय। नंबर दो। दूसरी जैन संगीति की अध्यक्षता करने वाले थे देववर्धी श्रवण। और अब हम बात कर लेते हैं साथियों, अमुक इन सभाओं के अंदर संगीतियों में काम क्या हुआ, तो बताना चाहूंगा साथियों, ये अपने सारणी क्लियर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर एक, प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म जो है ये टूटकर दो भागों में बंटा, एक भाग श्वेतांबर और दूसरा भाग हमें देखने को मिलता है दिगंबर। एक भाग श्वेतांबर और दूसरा भाग दिगंबर, जिनकी डिटेल हमने बड़े पैमाने पर सविस्तार रूप में पढ़ ली है। बात करते हैं नंबर दो, दूसरी जैन संगीति में कार्य क्या हुआ, तो लिखना है जैन साहित्यों का अंतिम संकलन। जैन साहित्यों का अंतिम संकलन ये कार्य हुआ था द्वितीय जैन संगीति में। साथियों, हमने एक सारणी मेंटेन कर ली है और ये सारणी जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पुट होते हैं उनमें से एक बताई जाती है। साथियों, अपने को बड़ी सीरियसता के साथ में, गंभीरता के साथ में इस चीज़ को पढ़ना है। मैं आपको पुनः एक बार वापस याद दिलाना चाहूँगा और इसके बारे में बताना चाहूँगा साथियों कि जैन धर्म में दो संगीतियों का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति जिसका 300 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ था, पाटलिपुत्र जगह जो बिहार में पड़ता है, शासक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्षता स्थूलभद्र और शंभूत विजय ने निभाई थी, और कार्य हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर। नंबर दो, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 6वीं सदी, यानी कई किताबें 512 बताती है। जगह का नाम वल्लभी। वल्लभी गुजरात का क्षेत्र है और शासक की स्थिति यहाँ पर गौण देखने को मिलती है। अध्यक्षता निभाई थी देववर्धी शर्मा सरवण ने, और जैन साहित्यों का अंतिम रूप से संकलन इसी जैन संगीति में हुआ था। साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं जैन साहित्य व प्रमुख ग्रंथ।
जैन साहित्य, जैन साहित्य व अन्य या प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ, जैन साहित्य व प्रमुख ग्रंथों के बारे में अब हम जानकारी ले रहे हैं। सुनिए आप, जैन साहित्य जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों, जैन साहित्य जो हैं इन्हें आगम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आगम के नाम से जाना जाता है। बौद्ध साहित्यों को त्रिपिटक कहा जाता है, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। बात करें अगर इनकी भाषा की, तो सर्वप्रथम पहली बार भाषा अपनाई गई इनको लिखने में प्राकृत, और बाद में भाषा अपनाई गई है संस्कृत। सरल भाषा संस्कृतम, मृदल भाषा संस्कृतम। बात करते हैं आगम, आगम क्या क्या है तो बात करना चाहूंगा। आगम में 12 उपांग, सॉरी 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल मंत्र और 1 अनुप्रयोग, सॉरी 1 नंदी सूत्र और 1 अनुप्रयोग द्वार, टोटल मिलकर कहलाते हैं आगम। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल मंत्र, 1 नंदी द्वार और 1 अनुप्रयोग द्वार के नाम से इन्हें जाना जाता है। अन्य जो ग्रंथ हैं इंपॉर्टेंट रूप से जो पढ़े जाते हैं, उनमें सबसे पहले जो ग्रंथ आता है नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जो है इसके रचनाकार का नाम अगर बात करें तो नाम आता है भद्रबाहु। भद्रबाहु, भद्रबाहु इनके रचनाकार था का नाम देखने को मिलता है। अगर साथियों बात करें इस ग्रंथ की, तो इस ग्रंथ में हमें पढ़ने को क्या मिलता है, तो इस ग्रंथ के अंदर प्रमुख जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, इन तीर्थंकरों की जीवनी, तीर्थंकरों की जीवनी, अगर प्रमुख रूप से तीर्थंकरों की बायोग्राफी अगर पढ़ने को मिलती है तो वो मिलती है अपने को कल्पसूत्र में। और जैन धर्म का सर्वाधिक अगर प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो नाम है कल्पसूत्र। नंबर 1 कल्पसूत्र हो गया। दूसरा ग्रंथ हम लेने जा रहे हैं, इसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन, इस ग्रंथ के रचनाकार हैं हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी के द्वारा इसे रचित किया गया, और इसमें हमें पढ़ने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंतिम समय, अंतिम समय हमें पढ़ने को मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। नंबर 3, तीसरा और इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है उसका नाम है कवलयमाला या कुवलयमाला। माला, कुवलयमाला जो ग्रंथ है, रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो ग्रंथ हैं इसमें बड़े पैमाने पर मरु भाषा का उल्लेख, मरु भाषा का उल्लेख हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। समय 778 ईस्वी बताया जाता है। और
ये आठ विशदी का प्रमुख ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। तो साथियों, जैन जो साहित्य है इन्हें क्या कहते हैं, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानकारी ले लिए। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा अंतिम चैप्टर जो आपको मैं एक ओरल रूप में ही समझा रहा हूँ। कई बार सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, इनमें से प्रमुख जो तीर्थंकर हैं, इन तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह क्या बताया जाता है। तो इम्पोर्टेंट जितने भी जो इम्पोर्टेंट प्रमुख रूप से तीर्थंकर देखने को मिलते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह मैं आपको जरूर बता देता हूँ। जैसे नंबर एक, ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो बताया जाता है वृषभ। वृषभ का मतलब होता है बैल। नंबर दो, अजित नाम जो तीर्थंकर हुए हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह बताया जाता है इसे हाथी कहा जाता है। नंबर तीन, तीसरे जो हैं उनका नाम है संभवनाथ, और संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह बताया जाता है यह है घोड़ा। नंबर चार, नंबर चार नाम है शांतिनाथ जो हैं, इनके प्रतीक चिन्ह जो देखने को मिलता है इसे हिरण कहते हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है सर्पफण, और नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है इसे शंख कहा जाता है, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है इसे सिंह के नाम से जाना जाता है। साथियों, हमने जैन धर्म से एक भी पॉइंट मिस नहीं किया, हालांकि मैंने ज़्यादा इसको गहराई से नहीं लिया है। श्यादवाद मैंने नहीं बताया था, श्याद अस्थि श्याद ना अस्थि वो कभी कभार ही पूछा जाता है। और साथियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर के अंदर जैन धर्म से संबंधित एक भी क्वेश्चन अपने छूटे नहीं। साथियों, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। धन्यवाद।